फाग ने जुलाई सन 2022 से नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर के ऊपर एक नया टैक्स लगाया है, जिसे सीवीटी कहते हैं, कैपिटल वैल्यू टैक्स। हर वो गाड़ी जिसके इंजन की ताकत 1300 सीसी से ज्यादा, और चूंकि इलेक्ट्रिक दौर है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, हर वो इलेक्ट्रिक कार जिसकी बैटरी की ताकत 50 किलोवाट से ज्यादा होगी, उस पर सीवीटी टैक्स लगेगा। सीवीटी 1% के हिसाब से लगेगी। और इसका तयन कैसे होगा? आपकी सेल सर्टिफिकेट, सेल इनवॉइस, जब आप शोरूम से गाड़ी लेके आते हैं तो आपको शोरूम वाला दो कागज देता है, यानी एक सेल सर्टिफिकेट और एक सेल इनवॉइस। सेल इनवॉइस के ऊपर आपकी कीमत लिखी होती है, गाड़ी की कुल कीमत, आखिरी वाला टोटल जो होता है उसका 1%। यानी मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर 1,00,000 रुपया आपकी गाड़ी की कीमत है सेल इनवॉइस के ऊपर, तो उसका 1% 1,000 रुपया आपने पे करना है। अब ध्यान इस बात का रखना है कि शोरूम से जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो वो यकीनन किसी और आदमी ने अपने नाम बुक करवाई होती है, तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन उसका आपने 1% देना है। और जब उसके नाम रजिस्टर होती है और फिर ट्रांसफर आपके नाम होती है, तो फिर आपने अपने हिस्से का भी 1% अदा करना है। तो यानी गाड़ी खरीदते वक्त आपने वो 1% अपने जहन में रखना है कि ये आपने पे करना है। दूसरा तरीका है कि जब आपने गाड़ी अपने नाम से खुद बुक करवाई हुई है, तो उसमें यकीनन जब गाड़ी रजिस्टर होगी तो वो आप ही के नाम होगी और एक दफा आप सेल टैक्स देंगे, सीवीटी देंगे। और जरूरी बात जो बताने वाली और समझाने वाली है वो ये कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी जिस तारीख को आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड हुई, उसके 1 साल के अंदर अंदर चाहे आप 10 दफा ट्रांसफर करने उस गाड़ी को रजिस्ट्रेशन ऑफिस में ले गए हैं, तो हर दफा उसका 1% लगेगा सीवीटी। और 1 साल मुकम्मल होने के बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से उस पर 10% आपको रियायत मिलेगी। यानी 1 साल मुकम्मल होने के बाद जब वो गाड़ी ट्रांसफर होने गई है, तो फिर अगर आपका 1,000 रुपया सीवीटी था तो ये 900 रुपया रह जाएंगे, यानी 10% जब आप 1,000 से निकालेंगे तो बाकी 900 रुपया रह जाएंगे। इसी तरीके 2-3 साल के बाद जब ये गाड़ी ट्रांसफर होने जाएगी, तो फिर उस हिसाब से 20% और 30% आपकी कमी होगी। और 5 साल के बाद ये सीवीटी खत्म हो जाएगी। ये इंतहाई ज़रूरी बात थी जो मैंने आपको बताई। और इसमें इनकम टैक्स के हवाले से, ये चूंकि एडवांस इनकम टैक्स नहीं है, इसलिए ये एडजस्टेबल नहीं है, आपकी रिटर्न में ये एडजस्टेबल नहीं है। और इसमें अपना फाइलर और नॉन फाइलर, ये दोनों के लिए यकसा है। तो ये था सीवीटी। थैंक यू।